Assalamualaikum friends, I hope that you all are fine. So friends, today I am here with another alphabet. आज हम C लिखेंगे bottle font में और ये तो हमारा बहुत अच्छा अच्छा जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है. तो आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ. मुझे भी बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने में. अब हमें एक अलग सा टॉपिक मिल गया और मैं आपको एक और बात बताई थी, आप लोग शीट ले लें, रजिस्टर ले लें. आपने ना जो भी लिखना है उसके पीछे नहीं लिखना कभी भी, आप चाहे दूसरा पेज यूज़ कर लें, क्योंकि ऐसे तो नीटनेस आएगी नहीं है. देखें ऐसा आप लोगों का निशान पड़ जाएगा, वो सबका पड़ता है, मार्कर ही ऐसा होता है. तो इसमें आप देखिए कि कहने के रजिस्टर ख़राब है शायद, तो कोई बात नहीं. कुछ रजिस्टर ज़्यादा आता है, कुछ पे कम आता है, क्वालिटी पे भी होता है. लेकिन खैर मैं तो हमेशा दूसरा पेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक ही तो कभी हम लिखते हैं तो वो अच्छा सा एक हमारे पास रह जाएगा लाइफ टाइम, तो अच्छा लगेगा. सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स राइट सी और बाहर निकालना है, और आपका सी थोड़ा सा गोल होना चाहिए, अच्छा सा. और अब हम अपना स्केल ले लेते हैं. ओके अब के सी बहुत अच्छा होने वाला है. इसके सारे अल्फाबेट से इतने पसंद आए थे मेरे को, वाह ऐसी भी होती है ए बी सी डी. हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे हम ये भी बना देना है. तो फिर ये देखिए हमारा सी कम्प्लीट हो गया. ये ऐसा था कि ऐसे सी था और इसके अंदर फिर ये सारी डिजाइनिंग आ गई थी. ये हमारे भी कैपिटल सी था, स्मॉल तो बहुत आसान है. सो नाउ लेट्स राइट द स्मॉल सी. ऐसे फिर आप लोगों ने ऐसे देख लेना है. फिर ये जो लाइन है ना ऐसे पकड़ना, मैं आप लोगों को ये ए भी बताया था. ये पतला कैसे पकड़ना है वो कैसे पकड़ना है मोटा, क्या डिफरेंस है इनका. ऐसे यहाँ से ये मुझसे हमेशा यहाँ से रह जाता है करवाते ही. ये हो गया. अब जो ये लाइन है इसको हम हल्का सा प्रूफ करते हैं. इसका काफ़ी जो है थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर देते हैं ताकि वो और अच्छा लगे. ऐसे सो फ्रेंड्स ये हमारा स्मॉल सी था. ये देखें ये हमारा कैपिटल हो गया और ये स्मॉल. तो मेरे तो आदत होती है, मतलब मैंने पहले भी कोर्स सीखा था, इसकी मुझे एक ही दफ़ा मुझे अच्छा बन जाता है. लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा किया था ना तब मैं इतनी शीट जाया हुई थी सिर्फ यही बनाने में. तो कोई बात नहीं, आप लोग भी प्रैक्टिस करें. आप आई होप कि आप लोगों को भी आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि जब मैंने सीखा था मैं कहा ये क्या है, ये क्यों आना मुझे. फिर मैंने किया और खैर फिर मैं इतनी परफेक्ट हो गई कि अब मैं एक ही दफ़ा में लिख लेती हूँ. और मैंने काफ़ी सी और ए बी सी डी जितने भी अल्फाबेट्स को यूज़ किया हुआ है कार्ड्स में, चीज़ों में, स्कूल में, जैसे कभी कुछ लिखते जाऊँ तो वो मतलब हमारी क्लास में लिख जाता, बहुत अच्छा लगता है. सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पहला लेक्चर था और इसमें मैंने आप लोगों को ए लिखना सिखाया था, और ये मैंने आप लोगों को बी लिखना सिखाया था, और ये मैंने आप लोगों को सी लिखना सिखाया. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. अल्लाह हाफिज़.